मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकेले होने का डर और बिना उद्देश्य के जीवन को अनुभव करना एक तरह की कमजोरी है। इसलिए हमें दो सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। पहला, आप कौन हैं? और दूसरा, आप क्या चाहते हैं? हमारे पास चुनाव करने की आज़ादी है कि हम अपने जीवन के बिखरे हुए पलों के बारे में सोच सोच कर खुद को अकेला और बेचारा महसूस कराएं, और जो दुनिया हमें दिखाती है उसमें फंसते चले जाएं, या फिर परमेश्वर के प्यार को चुनें कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, और या फिर परमेश्वर ने जो योजना हमारे जीवन के लिए बनाई है उस पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यर्मिया की पुस्तक 29 उसकी 11वीं आयत में, मैं प्रभु ये कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजना बनाई है, बुराई के लिए नहीं, और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है, मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना मेरे और आपके लिए उस समय से है जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, क्योंकि बाइबल में यर्मिया की पुस्तक 1 उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जब मैंने तेरी माँ के पेट में तुझे रचा, उसके पहले से ही मैंने तुझे चुन लिया है। तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना है मेरे और आपके लिए, लेकिन जब हम उस योजना को नहीं देख सकते तो उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन विश्वास एक ऐसी बात है जिसके द्वारा परमेश्वर की वो योजना जो हम अभी भले ही ना देख सकें या समझ सकें, हमारे जीवन में बहुत सा फल लाती है। यदि हम बाइबल में विश्वास की परिभाषा देखते हैं तो इब्रानियों 11 उसकी 1 में हमें पता चलता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। ठीक उसी तरह जैसे हम परमेश्वर की योजना को अभी नहीं देख और समझ पाए, यदि हम इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर की बनाई हुई योजना हमारे लिए सुखदमय और आशामय भविष्य लाएगी तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए सिर्फ भलाई लाती है, बुराई नहीं। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, और उसी विश्वास से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी उत्तम योजना को हम पर जाहिर करे। जरूरी नहीं कि जैसे ही आप प्रार्थना करें और एकदम आपको सब कुछ पता चल जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जब तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं तब तक अपनी योजना को अपना लें और उसमें चलने लगें। अब यहाँ पर आपको चुनाव करना है कि क्या आप विश्वास में बने रहकर परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, या फिर ये सोचकर कि कोई खुदा नहीं है, हम अकेले हैं, अब कोई आशा नहीं बची और ना ही कोई उद्देश्य, अब मेरी जिंदगी का सब मजाक उड़ाएंगे। ये सब बातें हमारे जीवन को बेकार बनाती हैं और ख़त्म करने पर मजबूर करती हैं। यदि हम परमेश्वर की योजना में चलने का चुनाव करें और अपना जीवन विश्वास द्वारा चलाएं, तो हम बहुतायत का जीवन पा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में इफिसियों 3 उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमारे अंदर काम करता है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि खुदा की योजना में हमारे लिए क्या है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने विश्वास में स्थिर रहें और परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम है इस बात को मानें। विश्वास में चलना ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यदि परमेश्वर हमें सब कुछ पहली प्रार्थना में ही बता देंगे तो हम विश्वास में चलना और स्थिर रहना नहीं सीख पाएंगे। परमेश्वर की योजना उत्तम है, सबसे बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि यदि वो हमें पहले दिन ही बता देंगे कि आज से 30 साल बाद क्या होने वाला है, तो हम उन बातों को पचा ही नहीं पाएंगे, उसके समय के अनुसार इंतजार नहीं कर पाएंगे। जब चीजें होती हुई नजर नहीं आएंगी, तब हम फिर से अपनी योजनाओं को परमेश्वर की योजनाओं में मिलाने की कोशिश करेंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमें
सही चुनाव करना जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजना चुने या फिर अपनी योजना जो बहुत सी बुराई मेरे लिए ला सकती है। परमेश्वर की योजना के तहत अपने आप को ले जाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और इस वीडियो को देखने और सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो इनके जीवन में किसी भी तरह की कमजोरी को दर्शाती है और इन्हें परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने से रोकती है, तो आप इन्हें अपना पवित्र आत्मा दें, जो कि प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा है, जिसके द्वारा इन्हें वो सामर्थ मिले ताकि ये अपने आप को परमेश्वर की योजना में आने, उसमें बने रहने और उस पर चलने की समझ, विश्वास और शक्ति को पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको आशीष मिली है। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आत्मा के द्वारा चलना सिखाए।